अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बनाऊंगी मटन चाप की बिरयानी। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है और मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर यहाँ पे रख लिया है। आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने कुकर लिया है बड़ा, और ये मैंने अखनी का सारा सामान रेडी कर लिया है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। इसमें यहाँ पर 2 लहसुन के जवे मैंने बड़े वाले लिए हैं, और हरी मिर्चें हैं तकरीबन 10-12, और एक टमाटर है, और एक बड़ा प्याज है, और सौंफ है। यहाँ पे गरम मसाले देखिए, दालचीनी और लौंग, सारे थोड़े थोड़े मैंने गरम मसाले लिए हैं। यहाँ पे एक अदरक का ये जवा लिया है, और तेजपात के पत्ते। यहाँ मैंने धनिया नहीं लिया है, साबुत धनिया, मैंने सौंफ लिया है। साबुत धनिया, आप साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, पिसा भी। चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ मैंने गैस ऑन कर दिया है और कुकर रख दिया है बड़ा वाला। अब हम इसकी अखनी तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारा चला गया है, और सारा ये सामान डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक, 3 चम्मच करीब मैंने यहाँ पर नमक डाला है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। इसमें तकरीबन मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ कि जितना बस इसमें गोश्त डिप हो जाए। मैंने एक बोतल यहाँ पर पानी डाला है इसमें, और अब इसमें सीटी लगाएंगे हम। अब हमने इसको सीटी को बंद कर दिया है। मैं इसमें तकरीबन 3 सीटी लगा लूंगी, और 3 सीटी के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अखनी बन के रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पर देखिए, जितने हमारी अखनी बन रही थी, अब मैंने यहाँ पे प्याज काट लिए। मैंने यहाँ पे 3 बड़ी प्याज कट कर ली है, और ये अखनी मैंने इसमें से कुकर में से पलट कर इसमें कर ली है। देखिए ये सारी अखनी रेडी हो चुकी है, वो जो हमने इसमें 3-4 सीटी लगाई थी। अब आगे के प्रोसेस के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है और दोबारा से कुकर रख लिया है। कुकर में मैं यहाँ पे 4 बड़े चमचे मैं ऑयल डालूंगी। मीडियम चमचा भी आप डाल सकते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं, अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये मैंने देखिए तकरीबन 3 या 4 चम्मच ऑयल डाला है इसमें। ऑयल डालने के बाद जो अखनी में जितना भी सामान है वो मैंने सारा ये मतलब यहाँ पे गोश्त मटन अलग कर लिया है, और अखनी का पानी अलग कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें प्याज डाल देंगे। हमने प्याज शेल फ्राई करनी है थोड़ी सी, सारी प्याज इसमें डाल देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने प्याज को लगातार फ्राई करना है, शेल फ्राई, हाँ, यहाँ ब्राउन करना है प्याज को। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊँगी। इसने हमारी ये प्याज ब्राउन हो रही है, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर अखनी और ये सब कुछ करने के बाद मैं आपको ये बताना भूल गई कि मैंने यहाँ पर 2 चावल लिए हैं, और इनको, ये बड़े चावल हैं पक्के वाले, इनको फ्लो कर रखा था तकरीबन, इनको आधा एक घंटा गुनगुने पानी में मैंने फ्लो कर रखा है। और यहाँ पर एक प्लेट में मैंने यहाँ पर ये हरी मिर्च कट कर ली है, और दही, अदरक, लहसुन का पेस्ट, और टमाटर। और मैं आपको यहाँ पर एक और इंग्रेडिएंट्स नया बता रही हूँ, जो कि बिरयानी में कोई नहीं डालता, बट आप डालेंगे तो उसमें और अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैंने चीनी, यहाँ मैं चीनी डाल रही हूँ 1 चम्मच बस, इसका अलग ही टेस्ट आएगा, आप ज़रूर ट्राई करना। ये प्याज ब्राउन हो चुकी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। इसको सारी प्याज हमें बाहर निकाल लेनी है। ये देखिए एक प्लेट में, ये प्याज निकाल ली है, और अब इसमें ऑयल में मैं गरम मसाला डालूंगी। मैंने थोड़ा सा हल्का सा जीरा और ऐड करा है, आपकी अपनी चॉइस है। अगर जीरा डालना चाहें तो अगर गरम मसाला डाल दें। और जो हमने अखनी में से ये मटन चाप निकाल के अपना हमारा मटन डालेंगे, ये डाल दिए, अब ये डालेंगे सारे ऑयल। अब हम इसको 1-2 मिनट तक पका लेंगे, जब तक ये तेल ना छोड़ दे, तो इसको हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पका लेंगे। इसमें ये सारा पानी डाल लेंगे, पानी के साथ ही चावल डाल लेंगे, जो चावल हमने आधा एक घंटा फ्लो कर रखे थे। ये पक्के चावल हैं, डबल चाबी के, आप इसको इसको डबल चाबी के साथ बनाएं। मटन चाप की बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है इन चावलों के साथ। और साथ में ही ये मैंने अखनी का पानी यहाँ पर ये अच्छी तरह से छान कर रख लिया था, सारा सामान इसमें निकाल दिया था और अखनी का पानी छान लिया था। अब ये भी इसमें डाल देंगे, और अब हम इसको सबको एक साथ मिक्स कर देंगे, इसे चला देंगे। और ध्यान रहे, जब आपने ये सब कुछ डालना है
तो आप चेक कर लें कि इसमें नमक कैसा है। अगर नमक थोड़ा कम है, नमक थोड़ा सा ज्यादा, चटकीला सही रखते हैं हमेशा बिरयानी में, तो थोड़ा सा नमक चेक कर लें और फिर दोबारा इसमें डाल लें अगर आपको कम लगे तो। नमक थोड़ा सा कम है, मैं इसमें एक चम्मच नमक और डाल दूंगी। पानी मैं बता देती हूँ आपको, इसमें मैं एक चम्मच नमक और डाल दूंगी क्योंकि थोड़ा सा चटकीला नमक हमने रखना है। अखनी में भी डाला था तो वो चेक कर लें। और सब मिलाने के बाद पानी चावलों से बस थोड़ा सा ऊपर रखना है, जिसमें चावल और हमारे जो ये पूरा मटन है अच्छी तरह से डिप हो जाए। तकरीबन इतना ऊपर तो रखना ही है आपको, ठीक है। अब ये मैंने सब मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें सीटी लगा दूंगी। अब इसे बंद कर देंगे और इसमें दो सीटी आने तक इसको बंद कर देंगे, क्योंकि ये मटन है तो अच्छी तरह दो सीटी में तैयार हो जाएगा। और सीटी हमने हाई फ्लेम पर लानी है। और अब मिलते हैं दो सीटी के बाद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बिरयानी कैसे बनकर रेडी हुई है। अब देखिए इसमें दो सीटी आ चुकी है, अब मैं इसमें सीटी निकाल दूंगी और आपको दिखाऊंगी ये बिरयानी बनकर कैसी रेडी हुई है। देखिए सीटी में अब निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। बहुत ऐसे गरम गरम बनकर शानदार एकदम देखिए तैयार हुई है, और चावल भी कितने अच्छी तरह से गल गए हैं ये देखिए। तब मैं इसमें पर्सी थोड़ा सा केवड़े में मैंने ये वो डाला है जर्दे रंग, हल्का सा जर्दे रंग डालेंगे, और ऊपर से ये प्याज, इन प्याजों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें, अगर पसंद है तो डाल के खाएं। इनको ऊपर से डालकर ये देखिए एकदम बनकर रेडी हो गई है। मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि मटन की तो बहुत ही अच्छी लगती है बिरयानी। गरम गरम एकदम शानदार रेडी है ये देखिए। मेरी इस रेसिपी से आप ज़रूर बनाएं और खाएं, और मेरे मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी रेसिपी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।